अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, नहीं आपने क्या कहा शब्द, मोदी की गारंटी बोली ना, मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूं सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, सच या झूठ? किसानों को धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए मिलेंगे, सच या झूठ? छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, सच या झूठ? सच किसने बोला, झूठ किसने बोला? झूठ नरेंद्र मोदी ने बोला, सच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बोला। मोदी जी भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? और नरेंद्र मोदी जी ये भी मुझे बता दो, आपने ओबीसी का नाम प्रयोग करके बहुत फायदा उठाया, देश के प्रधानमंत्री बन गए, करोड़ों रुपए के आप सूट पहनते हो, 24 घंटा हवाई जहाज में उड़ते हो, तो ओबीसी शब्द का आपने प्रयोग किया और आज आप अपने भाषण में कहते हो कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं, मतलब जब आपके लोग मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और उसका वीडियो लेके वायरल करते हैं तो वो व्यक्ति जिस पे पेशाब किया गया उसकी कोई जात नहीं है, वो आदिवासी नहीं है, वो गरीब है। जब किसी दलित बच्चे को मारा जाता है, हजारों सालों से दलितों को इस देश में लोगों को छूने नहीं देते थे उनको, आज उसका नाम दलित नहीं रहा। आप ओबीसी की बात करते हो, दलितों की बात करते हो, आदिवासियों की बात करते हो और अपने भाषण में आज कहते हो हिंदुस्तान में जाति नहीं।